भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से ज्यादती का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। पुलिस के अनुसार भोपाल के बरखेड़ी क्षेत्र में रहने वाली युवती मूल रूप से उमरिया जिले की है। वो यहां 2023 में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आई थी। इस दौरान फेसबुक पर उसकी दोस्ती नरसिंहगढ़ निवासी विनोद से हो गई। विनोद स्वयं को पुलिसकर्मी बताता था। दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। 21 नवंबर 2023 को विनोद युवती से मिलने भोपाल आया और उसे घुमाने के बहाने एक होटल में ले गया, जहां आरोपी ने युवती से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने जल्द ही शादी करने का वादा कर दिया। इसके बाद विनोद लगातार युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपी की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एक मामला कल पंजीबद्ध हुआ है थाना जहांगीराबाद में। उसमें एक महिला थी, उसका एक अन्य लड़के के साथ में फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से उसका परिचय हुआ, और परिचय होने के बाद आपस में दोस्ती हुई, और दोस्ती के बाद में फिर उनकी दोस्ती जो थी वो शारीरिक संबंधों तक पहुँच गई, और उसके बाद लड़के ने उसको शादी वगैरह का भी झांसा दिया, लेकिन बताया जाता है कि वो लड़का अब शादी करने से इनकार किया है। तो उसके ऊपर से अभी BNS की नई धाराओं के तहत उसमें 376 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर भी विचलन लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।